फुली सोलॉजी की पहले सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया वर्ल्ड 2024। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जो है मतलब जो भी लोग हमारे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हर किसी का ये सपना होता है कि ये ताज एक दिन इन्हें मिले, एंड वो आज आपको मिला है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये क्या आपका ड्रीम था, आपने सोचा था कि मुझे इस तरह से पार्टिसिपेट करना पड़े, करना चाहिए, ऐसा डेली आपके दिमाग क्या कुछ हुआ? एक्चुअली मैंने बहुत सारा सवाल पूछा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बताइए कि ये कैसे हुआ और क्या करना चाहेंगे आप इसके बारे में? वैसे फेमिना मिस इंडिया का जो ये ताज है, ये ना सिर्फ मेरा सपना है, मेरी खुशनसीबी भी है कि मुझे ये मिला। इसमें मेरे माता पिता की मेहनत है, इसमें मेरी मेहनत है। तो ये कहना तो शायद सही नहीं होगा कि ऐसे ही किसी दिन सोचा और आज मुझे ताज मिल गया और पता नहीं कैसे मिल गया। इसके पीछे बहुत सारा खून, बहुत सारा पसीना, बहुत सारा सब्र और बहुत सारा भगवान पे भरोसे के बाद मुझे ये मिला है। और ये कहना चाहूँगी कि आप अगर कुछ भी सपना देखते हैं तो उसमें एक लॉजिक ज़रूर होता है कि यार इस वजह से आप ये सपना नहीं पूरा कर सकते। या मेरे केस में देखें तो मैं उज्जैन से थी और किसी ने किया नहीं था उसके पहले मिस इंडिया। मेरा ऊपर एक्चुअली इतने सारे लोगों का हाथ नहीं था जो मुझे गाइड कर पाए कि मिस इंडिया में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना तो ऊपर वाला अपने आप रास्ते बनाते ले जाता है। ऊपर वाले के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो अपने आप रास्ते बनते जाते हैं, अपने आप आपके दरवाजे खुलते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कब आप आपका सपना जी रहे होते हैं। टाइम है कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं, आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। सो आप ये बताइए कि ये कब से सोचा आपने कि मिस इंडिया हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ये आपकी तैयारी कब से चल रही थी? वैसे तो ये ख्याल मेरे दिमाग में बहुत बचपन से ही आ गया था, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में मिस इंडिया बना के भेजा करती थी। तो उस वक्त तो मुझे उस चीज़ की कीमत उतनी नहीं पता थी कि मिस इंडिया होना होता क्या है, ताज सिर पर रखना क्या होता है। मुझे बस इतना पता था कि मुझे स्टेज पर रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये ताज पहन के चलना और ऑडियंस के सामने बोलना और फिर जीत जाना फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे मिस इंडिया बनना है। वहाँ से लेके यहाँ तक के सफ़र में मुझे मिस इंडिया की वैल्यू एक तो समझ में आई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई। और जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी मेरे कॉलेज में, मैं रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं 7 सालों से थिएटर कर रही हूँ। तो थिएटर के दौरान मुझे अपने बारे में एक चीज़ ये पता चली कि मुझे कहानियाँ कहने का बहुत शौक है, और मेरे अंदर एक भारत माता के लिए एक जुनून है। तो मुझे लगा कि इस बार भारत माता की कहानी कहते हैं, ना किसी शेक्सपियर के कैरेक्टर की, ना किसी कालिदास की रचना की, पर भारत माता की। इसीलिए मैं मिस इंडिया में आई। तो आप तक कितने किरदार कर लिया, थिएटर प्ले कर लिया? आपने मुझे बताया कि सीता का आपने किया है, एंड कौन कौन से किरदार को आपने प्ले किया है अभी तक? मैंने कई सारे किरदार प्ले किए। मैंने मराठी नाटककार एक बहुत बड़े विजय तेंदुलकर जी, उनके विरासत नाटक में अम्मा का कैरेक्टर किया जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने अगर हमारे माइथोलॉजीज की तरफ जाया जाए तो रामलीला में सीता का किरदार तो मैं 5 साल से निभाती आई रही हूँ। मैंने कृष्ण लीला में राधा का किरदार किया है, मैंने 2 नाटकों का निर्देशन भी किया है, और इसी तरह से कुछ 60 के करीब मैंने नाटक अपने जीवन में करे हैं, कभी प्राइमरी कैरेक्टर्स में तो कभी कोरस बन के भी, पर मेरा रंगमंच के साथ साथ हमेशा जुड़ा रहा है। सो ये बताइए कि जब आप यहाँ पर आपका ये सारा चीज़ सारी चीज़ें पार्टिसिपेट हैं, ये सब कुछ चल रहा था, फिर कई सारे लोग थे पार्टिसिपेट, तब आपको कहीं ऐसा लगा कि नर्वसनेस, आपको कहीं ऐसा लगा कि अनुभव की मैं विनर होंगी या होंगी नहीं होंगी, या फिर जीतूंगी या नहीं जीतूंगी, या फिर मुझे कभी बीच में ऐसे क्विट कर देना चाहिए, इंश्योरेंस होते हैं, आप बताइए क्या चल रहा था जब ये कई सारे आपके कॉम्पिटिटर आपके पास में सब थे? ईमानदारी से कहूँ तो मिस मध्य प्रदेश बनने तक काफ़ी सही था, काफ़ी अच्छा लग रहा था एक्चुअली, क्योंकि जब मेरा पहला ऑडिशन था जो दिल्ली में था, मुझे लगा था कि मुझे ये सारी जो भावनाएं आप कह रहे हैं मेरे मन में आएंगी, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं इतने सारे हज़ारों लड़कियों की भीड़ में कहीं मैं गायब ना हो जाऊँ, मुझे इस चीज़ का डर था। पर जब मैंने पहली बार ऑडिशन दिया, पता नहीं कायनाती क्या एनर्जीज थी जो मेरे साथ अलाइन हुई, और मुझे ऐसा लगने लग गया था फर्स्ट ऑडिशन से कि स्टेट फिनाले तो मैं जीत रही हूँ, मुझे मिस मध्य प्रदेश का खिताब तो मिल रहा है। अपनी कॉम्पिटिटर्स जो लड़कियाँ थी, अपनी जो साथ वाली लड़कियाँ थी, उनसे मिलने से पहले ही मुझे पता था कि मुझे फीलिंग आ गई थी कि मैं मिस मध्य प्रदेश तो बन रही हूँ। लेकिन जब मैं मिस मध्य प्रदेश बनी, उसके बाद हमारी बहुत
डिटेल में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, हमारी बातचीत स्टार्ट हुई और मैंने देखा कि 30 स्टेट्स से जितनी भी कंटेस्टेंट्स आई थी सभी काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी इंटेलिजेंट और सबकी लाइफ काफ़ी इंस्पिरेशनल रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कहीं मैं खो ना जाऊँ इस जगह में, कहीं खो ना जाऊँ और क्या पता मैं जो सपना लेके आई हूँ, क्योंकि सभी वो सपना लेके आए हुए थे, तो जो डिजर्विंग होगा वही जीतेगा। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में था कि हो सकता है कि मैं शायद नहीं जीतूँ, और बीच में कई बार ऐसे मोमेंट्स आए भी जब मुझे लगा कि नहीं मेरे लिए नहीं है या मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर उस समय पे मुझे लगता है कि उन लोगों को हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है जिन्हें आप में विश्वास होता है, जिन्हें आपको बचपन से देखा होता है। तो मैं अपनी मम्मी से कॉल करके बात कर लिया करती थी, बहुत हैक्टिक स्केड्यूल होता था लेकिन मैं मम्मी से ज़रूर बात कर लेती थी। तो मम्मी की बातों में मुझे एक आश्वासन हमेशा मिलता था कि बेटा कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, इसलिए जो कर रही हो उसमें 100% अपना दिल दे के कर और भगवान सही सब कुछ सही करेंगे। और मेरे पापा मुझसे कहते थे कि बेटा तो मुझसे अगर 1,000 रुपये मांगने आएगी तो मैंने तुझे 1,000 रुपये दिए, देता हूँ मैं। तो मैंने कहा पापा 1,000 तो देते ही हो, कभी कभी ज़्यादा भी दे देते हो। तो पापा ने बोला एग्जैक्टली ये भगवान भी करते हैं, तूने भगवान से कुछ मांगा है ना तो वो उतना तो देंगे ही, अगर उतना नहीं दिया तो सोचना कि उससे ज़्यादा देने वाले हैं वो। तो यही मानसिकता के साथ मैं फिनाले तक बनी रही और जीत गई। जिस दिन ये आपने ये क्राउन जीता तो कुछ एक सवाल भी करते हैं मुझसे, काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे ड्यूरिंग द पेजेंट। फिनाले वाले दिन के जो मेरे प्रश्न थे वो एक ही प्रश्न पूछा जाता है और सबके दिमाग में कहीं ना कहीं वो रहता है कि शायद हमसे ये पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है, या मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने ऐसा कहा है तो मुझसे शायद ये पूछ लें। लेकिन हमेशा जब ऊपर वाले को आपको कुछ देना होता है तो आपको सबसे टफेस्ट चॉइस से गुजरने का मौका देते हैं। तो जो मुझसे प्रश्न पूछा गया था मैं उसके लिए कतई प्रिपेयर नहीं थी, तो उसको मैंने आंसर किया जो उस समय पे आया। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते हो और आपको उस चीज़ में डाल दिया जाता है तो आपको भी नहीं पता होता आप खुद कब को सरप्राइज खुद को कब सरप्राइज कर देते हो। तो मेरा जवाब भी कुछ ऐसे ही था जैसे मुझे उसके लिए आपको हमारे टेलीकास्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा जो कि जल्दी आने वाला है। आप www.missindia.com पे हमें फॉलो कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी मिलेंगी कि हमारा टेलीकास्ट कब होगा। ये जो क्राउन आज आपने पहना है, हजारों लाखों लड़कियों का सपना होता है, इन्हें हम बहुत सारे मॉडल जो रैंक वॉक करती हैं उनका भी ये सपना होता है कि एक दिन ये क्राउन उनके भी सिर पर आए। लेकिन कुछ एक आप जैसे लोगों के सिर पे ही ये क्राउन आता है, तो ये बताइए कि अब जब ये क्राउन आपके सर पर है तो क्या फील कर रहे हैं आप? पहले तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि ये क्राउन मेरे सिर पे आया, मुझे मौका मिला 60 साल जो मिस इंडिया की एक लीगेसी रही है उसको कंटिन्यू करने का और उन सारे नामी लोगों की लिस्ट में एक अपना नाम भी ऐड करने का जिन्होंने भारत के लिए ही नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं तो पहले तो बहुत थैंकफुल हूँ पूरी मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्स जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, जिन्होंने उन सारी लड़कियों को दी जो अपने आप में से कुछ सीख के गई है, जो इस जर्नी से कुछ लेके गई है। मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ क्राउन ही नहीं लेकिन बहुत बड़ा एक तजुर्बा हमें मिला जो शायद लाइफ टाइम काम आएगा। और दूसरा ये कि ये क्राउन बहुत भारी है जिम्मेदारियों की वजह से, क्योंकि अब मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने राज्य को नहीं कर रही हूँ, अब मैं 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने जाऊँगी वर्ल्ड स्टेज पर। तो मुझे लगता है कि हमारे देश की तमाम औरतों का, तमाम बच्चियों का जिनकी नज़रें मुझ पर है शायद उनके एम्पावर्ड आइडल के रूप में, तो उनकी जिम्मेदारी है कि मैं उन सब के लिए भारत के लिए वो क्राउन वापस लेके आऊं और अपने देश का प्रतिनिधित्व पूरे सच्चाई के साथ करूं। बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल था कि 2026 की यहाँ से जाने ये सब होने के बाद, इंटरव्यू खत्म होने के बाद कैसी आपकी तैयारियाँ चलेंगी, क्या क्या आप प्रिपेयर करेंगी आप 2026 के लिए? तो जैसे ही मेरा मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट का डेट्स अनाउंस होने होंगे, जैसे ही मुझे पता चलेगा, मुझे आश्वासन है कि जो इंडस्ट्री के बेस्ट लोग हैं, जो बेस्ट रैंपवॉक एक्सपर्ट्स हैं, जो बेस्ट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हैं, जो बेस्ट मेकअप टीम है, वो सब मेरे साथ जुड़ेंगे और मुझे लाइफ की उस बेस्ट रेस के लिए तैयार करेंगे जिसके लिए हम सब ने एक साथ मिलकर सपना देखा है। और मैं वेट नहीं कर सकती उन दिनों के लिए जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि क्योंकि ये सक्सेस बहुत रातों रात मिली है, ऐसा है एकदम से छोटे शहर से आने के बाद थोड़े बहुत फॉलोअर्स थे, आज
बहुत ज़्यादा नाम हो गया है, बहुत सारा लोगों से प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो मेरा बस एक यही रहेगा कि मैं अपने आप को ज़मीन से जोड़े रखूँ, क्योंकि यही बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है जो मैं मिस वर्ल्ड के लिए सबसे पहले स्टेप के रूप में कर सकती हूँ। तो बहुत सारे मिस वर्ल्ड हमारे इंडिया को मिले हैं और वो सभी आज बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, चाहे सभी का रास्ता कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाता है और आज वो अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये 2024 की तैयारी तो आप भी करेंगे, उसके बाद क्या आपके दिमाग में कहीं कुछ ना कुछ एक्टिंग भी आते हैं कि आपको एक्टिंग करना है, क्योंकि आप थिएटर से इसलिए सवाल है कि एक्टिंग भी हम आपको देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करते हुए? जी बेशक, मैं अपने आप को बतौर एक्टर, बतौर अभिनेत्री मैं खुद भी देखना चाहती हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए भी फिल्में करना चाहती हूँ और मेरा पैशन रहा है एक्टिंग हमेशा से। मैं 7 साल से मैंने रंगमंच से खुद को जोड़े रखा है। इनफैक्ट मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो भी मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में की है, जो आमतौर पर लोग करते नहीं हैं। तो मेरा पैशन क्राउन की वजह से नहीं है कि मुझे क्राउन मिला है तो मुझे फिल्में मिलेंगी और मैं करूँगी, क्राउन के साथ भी, क्राउन के बाद भी और क्राउन के बिना भी एक मेरे अंदर की अभिनेत्री हमेशा से फिल्में करना चाहती थी और मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। बिल्कुल, एंड क्योंकि आप जैन से हैं, महाकाल की नगरी से हैं, तो अगर आपको फ्यूचर, अगर आपको कुछ जैन के लिए अगर आपको कुछ करने का मौका मिले तो क्या होगा जो आप कुछ ऐसे चेंजेस लाना चाहेंगे? मुझे लगता है उज्जैन की संस्कृति बहुत रिच है, उज्जैन के लोग आज भी बहुत, आप देखेंगे तो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो मॉडर्निटी में या फिर प्रोग्रेस में विश्वास नहीं करते, उज्जैन बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक हर सेक्टर में उज्जैन का डेवलपमेंट है। पर उज्जैन को मैं एक चीज़ ये देना चाहूँगी कि मैं अपनी लाइफ का सारा तजुर्बा जीने के बाद, जितना मुझे काम करना है इंडस्ट्री में सब करने के बाद, मैं वापस अपने लाइफ के उत्तरार्ध में रंगमंच के पास जाना चाहूँगी जिसने मुझे बनाया है। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन की वो मंच है जिसने मुझे रंगमंच दिया है, जिसने मेरे अंदर का अभिनेता अभिनेत्री को जगाए रखा है। तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जीवन के उत्तरार्ध में मैं वापस से रंगमंच के पास जाऊँ और जितना मैंने तजुर्बा लिया है सब वहाँ जाके दे दूँ, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए रंगमंच कभी ख़त्म ना हो। एंड एक सवाल जो मैंने पूछना ना भूल गया कि व्हाट वाज योर मॉम डैड रिएक्शन व्हेन हमको पता चला कि आप विनर हो गई हैं, रामना के पास है, एंड क्या वो यहाँ उस टाइम पे अवेलेबल थी, आपने फोन किया, क्या कुछ हुआ अगर आपको पता चला? मेरे माता पिता असल में ऑडियंस में ही थे जब मेरा क्राउनिंग मोमेंट हुआ, तो मैंने सबसे पहले उनको देखा, मैंने हाथ जोड़ के तो भगवान को थैंक यू बोला और मैं स्टेज से उन्हें कब से देख ही रही थी। तो मुझे याद है मेरी मम्मी के हाथ जुड़े हुए थे, वो शायद भगवान से ही, जितने भी भगवान से उन्होंने मान मन्नत रखी थी सबसे वो थैंक यू बोल रही होंगी, उनकी आँखों में आंसू थे, पापा की आँखों में आंसू थे जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हमें। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने पिता की आँखों में खुशी के आंसू लेके आ पाई। और पापा ने इंटरव्यू में फिर बाद में एक चीज़ बोली थी कि उन्हें फ़ख्र है कि उनकी बेटी निकिता पोरवाल के नाम से आज उन्हें जाना जाएगा, तो बस मेरे लिए वही सब कुछ था। सुपर, एंड क्योंकि रातों रात आपके फॉलोअर भी हम देख रहे हैं बढ़ गए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, अपने फैंस के लिए अगर आप कुछ बताना चाहें कि जो आप 2024 की तैयारियाँ भी करने वाली हैं, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए जो जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया? जी, पहली बात तो आप सभी का बहुत 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 दिल से हाथ जोड़ के नमन और आभार, जो आपने मुझे आपकी विनर के रूप में एक्सेप्ट किया और मुझे इतना सारा प्यार दिया, मुझे इतना सारा सपोर्ट दिया। और मुझे लगता है कि आप वो लोग हैं जो हमें देखते हैं तो हम दिखते हैं, आपकी वजह से हम स्टेज पे होते हैं। तो ऑडियंस बहुत बड़ा एसेट होता है, ऑडियंस हमारे लिए भगवान से कम नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस, मेरे बेस्ट सपोर्टर्स बनने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भारत को हमेशा सपोर्ट करिए नो मैटर व्हाट। अगर मैं अगले के अगले साल जा रही हूँ मिस वर्ल्ड में और अगले साल नंदिनी गुप्ता मैम जा रही है, आप सबको सपोर्ट करिए कि भारत में वापस से वो ब्लू क्राउन आए और मिस वर्ल्ड इस बार भारत जीते। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।